ओम शांति। 20 मार्च 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 1 मार्च 1990। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख, वह सदा बाप को, आप को, माना स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है, वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आप स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है, जैसी है, वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। शीर और नीर को
व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं, वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति का अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना, शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं,
तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं, तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा, क्या देखा होगा टीचर्स, सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है, यह तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है, ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है यह चेक करो, तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को। यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे, इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले, जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूरत हो ना, कि पुरुषार्थी मूरत, मेहनत मूरत हो। पुरुषार्थ भी सहज, पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है ही नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसीलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना।
अच्छा फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है, देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही, सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है, यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी, चाहे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे ते अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने, चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो, चाहे और कितने भी आएं, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है, आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं, औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबर वार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो
तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो, फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख, स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना? जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना? बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब, हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पदमों की कमाई है। कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? यह नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं, इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी।
होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंगकर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो, सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा वरदान, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भवा। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के पांच पांच खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं, आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.